हेलो स्टूडेंट, अवर टुडेज टॉपिक फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, देन एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके डेफिनेशन, एग्जांपल्स, जनरल एग्जांपल भी स्टडी करेंगे एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर रूल्स टू राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन हमें लिखना है, सो व्हाट आर द रूल्स टू रिप्रेजेंट दैट थर्मोकेमिकल इक्वेशन, दैट ऑल्सो विल गोइंग टू सी। एंड वन मोर टॉपिक विल गोइंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो विल स्टार्ट विद द थर्मोकेमिस्ट्री। सी, थर्मोकेमिस्ट्री मीन्स, थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विथ एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट टर्न्स इन टू द प्रोडक्ट, करेक्ट। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, सो डेफिनेटली देर इज अ चेंज इन एंथैल्पी, एंड दैट चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट द थर्मोकेमिस्ट्री। देखते हैं फिर पहला टर्म अंडर द थर्मोकेमिस्ट्री, दैट इज एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों कंसिडर करते हैं कि द रिएक्शन, बिफोर द डेफिनेशन जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कंसिडर अ रिएक्शन, ए मोल्स ऑफ ए, स्मॉल ए दिया है, दैट एक्चुअली बच्चों रिप्रेजेंटिंग द कोएफिशिएंट नंबर, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी जो दिया है पूरे इक्वेशन में। इसका मतलब कैसा है देखते हैं, क्या कैसे रीड करती है इस रिएक्शन को। ए मोल्स ऑफ ए, ए मोल्स ऑफ कैपिटल ए प्लस बी मोल्स ऑफ कैपिटल बी, दैट इज बोथ आर द रिएक्टेंट ए एंड बी, फॉर्म्स सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। हियर सी एंड डी आर द प्रोडक्ट, करेक्ट। अब ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये क्या हो गए, कोएफिशिएंट नंबर और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली स्मॉल सी एंड स्मॉल डी बिकम्स द कोएफिशिएंट नंबर और यू कैन से द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड, कोएफिशिएंट नंबर या फिर नंबर ऑफ मोल्स, यानी हम लोग लिखते हैं ना रिएक्शन, एक जनरल एग्जाम्पल दे देता हूँ, वेयर नाइट्रोजन N2 रिएक्ट विथ 3H2, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2NH3। अब नाइट्रोजन एक है 3H2, तो वो थ्री नंबर जो है दैट रिप्रेजेंटिंग आइदर ऑफ ए और बी ओवर हियर, अंडरस्टूड। एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2NH3, सो वो जो टू कोएफिशिएंट नंबर है वो आइदर रिप्रेजेंट करेगा विथ सी और मे बी डी, इस तरह से है वो, अंडरस्टूड। सो सी और डी, ए बी क्या रिप्रेजेंट करे, स्मॉल लेटर में कोएफिशिएंट नंबर, और उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है या फिर कितने एटम्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो कैपिटल लेटर में ए बी सी डी दिया है, दैट रिप्रेजेंटिंग द प्रॉपर एलिमेंट और अ कंपाउंड ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड, समझ रहे। सो हियर वी आर कंसिडरिंग वन रिएक्शन, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। ओके, अब एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन इज गिवन एज, एक्चुअली एंथैल्पी चेंज क्या है, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट टू द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ओके, आई रिपीट, एंथैल्पी चेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कौन से है रिएक्शन में, सी एंड डी, सी के मोल कितने, सी मोल, डी का मोल कितना, डी मोल, अंडरस्टूड। एंड रिएक्टेंट है ए एंड बी, और ए का मोल कितना है, स्मॉल ए मोल्स, एंड बी का नंबर ऑफ मोल्स, बी मोल्स, अंडरस्टूड। सो विल राइट हियर द एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिनोटेड बाय डेल्टा आर एच, आर यानी रिएक्शन, स्मॉल आर वो लिखा है वो, आफ्टर द डेल्टा, दैट इज केमिकल रिएक्शन और अ रिएक्शन। सो डेल्टा आर एच इज इक्वल टू सी मोल्स ऑफ एच सी, एच सी यानी क्या, एंथैल्पी ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ एच डी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ डी, अंडरस्टूड, माइनस ए एंथैल्पी एच ए और एच कैपिटल ए प्लस डी, सॉरी बी एच कैपिटल बी। अब यहाँ पे एच सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ सी प्रोडक्ट, एच डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच कैपिटल डी एंथैल्पी ऑफ डी प्रोडक्ट, एच ए रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्टेंट and HB representing enthalpy of B reactant. I repeat बच्चों, here delta RH is equal to C into HC. C क्या हो रहा है, वो number of moles, 1, 2, 3, 4 whatever it may be, understood? Small c, small d, small a, small b, ये सारे number of moles represent करेंगे. And HC क्या represent करेगा, enthalpy of a C product, HD enthalpy of D product, HA enthalpy of A reactant and HB enthalpy of B reactant. Understood? अब सबकी एक particular enthalpies होगी, enthalpies of formation, enthalpies of combustion, enthalpies of atomization, enthalpies of ionization, whatever it may be, जो भी कुछ होगा जो reaction में होगा,
जब रिएक्शंस होगी तब वो चेंजेस होंगे, फेस ट्रांजिशन होगा या फिर यू नो ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड, वॉट एवर इट मे बी, तो वो वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अंडरस्टूड? यहाँ पे लिखा भी है एच ए, एच बी, एच सी, एच डी, दीज आर वॉट मोलार एंथैल्पीज ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड? ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली द अबव इक्वेशन वी कैन राइट डेल्टा आर एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, समेशन एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टर। अंडरस्टूड? डेल्टा आर एच इज इक्वल टू वॉट समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टर, समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एच रिएक्टेंट। अंडरस्टूड? सो सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना है, यू विल बी गेटिंग द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अंडरस्टूड? बच्चों हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ओके, अपकमिंग वीडियोज़ में मैं न्यूमेरिकल लूंगा ऑन एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन है, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, दैट ऑल्सो विल गोइंग टू सी, और उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल, लॉग भी यूज़ करना नहीं होगा, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लीकेशन होगा आपका, तो बहुत ही ईजी है यहाँ पे, ओके। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। सी हियर, enthalpy of a chemical reaction is the difference between the sum of enthalpies of product is the difference between sum of enthalpies of product and that of reactant with each substance in definite physical state, okay, jo bhi chemical reaction ho raha hai usme every substance either of reactant or a product should be in their definite physical state, yani agar carbon hai तो कार्बन रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में, सो इट शुड बी इन अ सॉलिड स्टेट, नॉट इन गैसेस और इन लिक्विड स्टेट। अगर ऑक्सीजन है O2, सो O2 ऑलवेज प्रेजेंट इन द गैसेस फॉर्म नो एट रूम टेम्परेचर, सो इट शुड बी प्रेजेंट इन द गैसेस फॉर्म, नॉट इन लिक्विड और इन अ सॉलिड स्टेट। अंडरस्टूड? H2O एट रूम टेम्परेचर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, सो इट शुड बी प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म ओनली, नॉट आइदर इन अ सॉलिड और इन अ गैसियस स्टेट। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। ओके, सो हियर आई रिपीट अगेन द डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच सब्सटेंस इन अ डेफिनाइट फिजिकल स्टेट। ओके, ईच सब्सटेंस इन इट्स डेफिनाइट फिजिकल स्टेट आइदर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड देयर अमाउंट्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्स being represented by the coefficient in the balance equation of the reaction. Understood? So whatever balance equation होगा तो उसमें जो coefficient number है it should be indicated over there. That time only we can say that the equation is completely balanced and in that case only we can find out the correct enthalpy of a reaction. अगर हमने एक simple example ले लेता हूँ, see we studied this reaction so many times, N2 nitrogen gas प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस, इट फॉर्म्स 2NH3 दैट इज अमोनिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 1 मोल या फिर 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मोल 3 एंड अमोनिया फॉर्म हो रहा है वो 2। ओके, अब यहाँ पे अगर आपने एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट कर लिया, सो यू हैव टू कंसिडर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ रिएक्टेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ प्रोडक्ट एज वेल। अगर हमने समझ लो नाइट्रोजन 1 मोल है तो 1 ही मोल लिया, एंड हाइड्रोजन 3 मोल्स है, और इंस्टेड ऑफ 3 मोल्स इफ वी हैव कैलकुलेटेड और वी हैव कंसिडर ओनली 1 मोल, सेम विद द केस ऑफ विद द अमोनिया एज वेल, वी आर हैविंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया और हमने सिर्फ 1 ही मोल कंसिडर किया, तो वी वुंट गेट द करेक्ट आंसर ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। सो कोएफिशिएंट नंबर भी करेक्ट ही लेना है हमें। अंडरस्टूड? समझ रहे हैं? सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। आपको क्या करना है बच्चों, डेफिनेशन बाय हार्ट कर लेनी है, अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ये जो फॉर्मूला दिया है ऊपर, डेल्टा आर एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये याद करेंगे तो ये हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टूड? ओके, सो डेफिनेशन विद द फॉर्मूला, सो दैट यू हैव टू prepared. At the same time, अगर एक example अगर है, so this consider, you can consider this general example only, जो पहले example यहाँ पे reaction रखा है, that also you can consider over here. Okay? हो गया enthalpies of reaction. अब चलते हैं on the other term, that is endothermic and exothermic reaction. Or you can say exothermic and endothermic reaction. अब देखो बच्चों, हमने ये endothermic exothermic reaction पढ़ा था in 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में भी वो बहुत बार केसेस आ गए थे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रीवियस चैप्टर में।
अब इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन हीट एनर्जी। अगर कोई सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, अगर कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करती है, तो फिर उस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। थर्मोडायनेमिक में भी हमने ये टर्म पढ़ा है, इन इक्विलिब्रियम में भी वी स्टडीड दिस टर्म। हम वापस पढ़ लेते हैं ये थर्मोडायनेमिक में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कंसिडर समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट, ओके, समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट, रीड द फर्स्ट पॉइंट। हाँ, इफ समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट, यानी यू कैन से दैट एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्टेंट और द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इज पॉजिटिव। ओके, डेल्टा आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। एंड इफ द डेल्टा आर इज पॉजिटिव, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेट टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, दैट रिएक्शन इज सेट टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए, इफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और डेल्टा एच कभी भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली बाय दैट पर्टिकुलर सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग ओनली। अंडरस्टूड, एनर्जी क्या की उस सिस्टम्स ने, रिएक्शन सिस्टम जो भी होगा उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इसीलिए तो डेल्टा एच बढ़ गया ना वहाँ पे, इसीलिए तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ, वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज एंडोथर्मिक प्रोसेस या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अंडरस्टूड, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अंडरस्टूड, अपोजिट ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन यू कैन से, वेयर द हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। जब भी कोई सिस्टम सराउंडिंग को हीट डोनेट करती है, इट इज सेट टू बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। सेकेंड केस देख लो, इफ समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन समेशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट। अंडरस्टूड, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू कम है एंड सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। प्रोडक्ट वैल्यू इज लेसर, रिएक्टेंट वैल्यू इज हायर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर एच इज नेगेटिव। डेल्टा आर एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड इन केस ऑफ डेल्टा, इन दैट केस पर्टिकुलरली द रिएक्शन इज सेट टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग ओवर हियर। अंडरस्टूड, सो हम लोग डेल्टा एच वैल्यू से एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट रिलीज कर ली है सिस्टम ने, तो एच वैल्यू, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई ना, इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज एज ऑफ दैट सिस्टम ओनली, हीट एनर्जी दे दी इस एटमोसफियर ने सिस्टम ने, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी सिस्टम ने लूज कर ली टू द एटमोसफियर। अंडरस्टूड, और टू द सराउंडिंग ओनली, एंड दैट्स वाई डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो वो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली अगर हीट एब्जॉर्ब कर ली है सिस्टम ने फ्रॉम द सराउंडिंग, तो हीट एब्जॉर्ब कर ली मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर ली ना वहाँ पे, देयर इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, एडिशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ओवर देयर बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, और इंटरनल एनर्जी एडिशन हो जाती है, या फिर से वैल्यू बढ़ जाती है इंटरनल एनर्जी की, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अंडरस्टूड, सो ये दो चीज़ें याद रखना है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक। अंडरस्टूड, देखो वहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के रिएक्शन के, दैट ऑल्सो यू सी ओवर हियर। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन N2 गैस प्लस 2H2O2 गैस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2NO2। ओके, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2NO2। अब डेल्टा आर एच क्या है, प्लस 66.4 किलो जूल पर मोल। डेल्टा आर एच वैल्यू इज फॉर द फर्स्ट रिएक्शन इज प्लस 66.4 किलो जूल, तो यहाँ पे वैल्यू डेल्टा एच की प्लस है, सो फर्स्ट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, फर्स्ट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक ओवर हियर। एंड द सेकेंड रिएक्शन 2KCLO3, दैट इज पोटेशियम पर क्लोरेट, इज डिकम्पोज
टू फॉर्म 2KCl इन अ सॉलिड स्टेट प्लस 3O2। डेल्टा आर एच वैल्यू है यहाँ पे -78 किलो जूल पर मोल। जब ये डिकम्पोज हो रहा था तो सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी टू रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई डेल्टा एच इज नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये हो गया क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड फर्स्ट वन वॉज द एक्चुअली द एंडोथर्मिक रिएक्शन, समझ रहे। डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर थर्ड टॉपिक आज का, दैट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट दिस थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बच्चों ये जो इक्वेशन है एक्चुअली, ये जो एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल सेकंड, ये दोनों थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। ओके, अब इनको थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, दैट विल सी ओवर हियर एंड विल सी ऑल्सो से द गाइडलाइन थ्रू विच वी कैन राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन लिखना हमें तो किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं वो। ओके, एंड हाउ वी कैन कॉल्ड इट एज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, दैट विल अंडरस्टैंड ओवर हियर अंडर दिस थर्मोकेमिकल इक्वेशन टॉपिक। देखते हैं फिर, सी थर्मोकेमिकल इक्वेशन यानी इट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच एंथैल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट एंड प्रोडक्ट हैव बीन स्पेसिफाइड। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इज सेट टू बी द थर्मोकेमिकल इक्वेशन When it shows enthalpy change, अगर enthalpy दिया है वहाँ पर reaction के लिए, okay? At the same time उस reaction में whatever reactant and product होगा उसकी physical state लिखे हैं। At the same time, but obvious reaction है तो product भी mention किए हैं। So ये सारी चीज़ें अगर है, so that particular reaction is said to be thermochemical equation, okay? अब आप ऊपर वाले example देख लो, तो ये दोनों है क्या, यहाँ पर physical state लिखा है सबका। पहला reaction देखो, N2 ब्रैकेट में जी है, यानी नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो है वो। O2 ब्रैकेट में जी लिखा है, दैट इज़ अगेन इन अ गैसेस स्टेट, ऑक्सीजन भी गैसेस स्टेट में रहेगा। NO2 रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में रहता है, वो भी है। तो फिजिकल स्टेट तो लिख दी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी मेंशन कर लिए। एट द सेम टाइम राइट साइड में डेल्टा आर एच वैल्यू लिखी है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव वो बात अलग हो गई, बट डेल्टा एच वैल्यू है वहाँ पे। So that particular example is a thermochemical equation, or whole reaction is said to be thermochemical equation. Generally हम लोग जो equations normal cases में लिखते हैं organic के reactions में या फिर कभी, तब delta H value नहीं लिखते बच्चों वहाँ पर, understood ना, delta H value ले ही लिखते नहीं तो, और most of the time physical state भी नहीं तो लिखते, सिर्फ chemical reaction लिखते हैं वहाँ जहाँ पर reactant and product mention करते हैं, reaction condition max to max mention करेंगे, but physical state वगैरह तो नहीं लिखेंगे। So reaction है जहाँ पर physical state है उस compound की या फिर उस element की, at the same time extreme right पर delta H value भी लिखी होगी, it is said to be thermochemical equation. So I'll read out all these points. These are the guideline through which we can write the thermochemical equation. See here, first one. Consider the balance equation for reactant and product. जब भी कोई thermochemical equation हम लोग लिखेंगे, so we have to consider the balance chemical equation. That equation should be balance. जब balance अगर नहीं होगा, so it won't consider as a thermochemical equation. That is the point number one. Now say the second point. The value and appropriate sign of enthalpy change is given on the right hand side. This value is delta RH. Delta RH ऊपर not लिखा है, raise to power 0 लिखा है, इसका मतलब है delta RH not, इसको read ऐसे करते हैं, okay? Delta RH ऊपर raise to 0 यानी delta RH not. Delta RH not इसको कहते हैं actually standard enthalpy of reaction. Understood? क्या कहते हैं? Standard enthalpy of reaction. अब ये enthalpy of reaction के साथ standard word क्यों जुड़ गया वहाँ पे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब भी कोई रिएक्शन होगी और जहाँ पे ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट यानी रूम टेम्परेचर पे जो फिजिकल स्टेट है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, वही होगी और वही मेंशन की है हमने केमिकल रिएक्शन में, तब हम लोग कहेंगे दैट रिएक्शन एंथैल्पी इज स्टैंडर्ड केमिकल एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अंडरस्टूड। तब वर्ड हम लोग स्टैंडर्ड ऐड कर देंगे उसमें, ओके, बिकॉज ऑल दिस रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट क्या, द वैल्यू एंड अप्रोप्रिएट साइन ऑफ एंथैल्पी चेंज इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। सो एंथैल्पी चेंज हमें राइट साइड लिखना है और उसकी साइन भी लिखना है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, और दैट शुड बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। थर्ड पॉइंट, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर स्पेसिफाइड बाय लेटर एस। जो भी फिजिकल स्टेट होगा ऑफ दिस वन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो वो हमें स्पेसिफाइड करना है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन में देख लो, इस रिएक्शन में स्पेसिफाइड किया ही है, ओके।
एस फॉर सॉलिड फिजिकल स्टेट, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस, या फिर अगर सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन है, जैसे वाटर सॉल्वेंट यूज़ किया है टू प्रिपेयर द सोल्यूशन लाइक NaCl, CuSO4, NaOH, डायलूट HCl, ये सब, तो AQ ये आपको लिखना है। AQ यानी एक्वियस सोल्यूशन। द डेल्टा RH0 वैल्यू रिफर टू फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, दोज अपियर इन दैट इक्वेशन, सो हियर ऑल्सो वी हैव टू राइट द डेल्टा RH वैल्यू। फोर्थ पॉइंट, द गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा RH0, अज्यूम दैट द रिएक्शन अकर्स इन अ गिवन डायरेक्शन। अंडरस्टूड, वट एवर द गिवन वैल्यू जो होगी फॉर द डेल्टा एच, सो उसका मतलब ये है कि द रिएक्शन अकर्स इन अ गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन यानी एक सिंपल सिंगल डायरेक्शन में चली गई वो रिएक्शन। सिंगल डायरेक्शन यानी रिएक्टेंट टू फॉर्म्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डो नॉट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म्स द रिएक्टेंट, यानी वो होगा द डेल्टा एच वैल्यू फॉर द इरिवर्सिबल रिएक्शन। समझ रहे हैं ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, ये केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े थे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। सिंगल डायरेक्शन में जो होती है रिएक्टेंट टू फाइनल प्रोडक्ट ओनली, इरिवर्सिबल रिएक्शन, एंड रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर्म्स द रिएक्टेंट, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, सो हियर द गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा RH0, अज्यूम दैट द रिएक्शन अकर्स इन अ गिवन डायरेक्शन, डेल्टा RH0 फॉर अ रिवर्स रिएक्शन इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइज टू दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है। अंडरस्टूड, अब एक पर्टिकुलर रिएक्शन है समझ लो, और उसके डेल्टा RH वैल्यू, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ओनली, वन रिएक्शन वेयर इट्स डेल्टा RH वैल्यू फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, डेल्टा RH वैल्यू इज +60 kJ। ओके, तो फिर उसकी डेल्टा RH वैल्यू फॉर रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, -60 kJ। अंडरस्टूड, अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, विजुअलाइज कर लो कि रिएक्शन है A+B फॉर्म CnD, AB रिएक्टेंट CD प्रोडक्ट, तो फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्शन ऑफ AB गिव CD, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, उसका डेल्टा RH वैल्यू है +60। अंडरस्टूड, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, +60 है उसका। तो जो रिवर्स रिएक्शन होगा CD गिव AB, उसकी RH वैल्यू होगी -60 kJ/mol, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अंडरस्टूड, एक अगर रिएक्शन फॉर रिवर्स रिएक्शन में स्पेशली एक रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो दूसरा एक्सोथर्मिक, या फिर एक्सोथर्मिक है तो दूसरा एंडोथर्मिक, लाइक दैट वन। द लास्ट वन, व्हेन द कोएफिशिएंट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सर्टन न्यूमेरिकल फैक्टर, द करस्पॉन्डिंग डेल्टा RH0 नीड टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम। अगर पर्टिकुलर रिएक्शन की कोएफिशिएंट नंबर है, अगेन विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस ओनली, ये रिएक्शन देख लो, N2 गैस पहला वाला +2O2, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ 2NO2। अब N2 का कुछ एंथैल्पी होगा डेल्टा RH, O2 का कुछ डेल्टा RH होगा, करेक्ट। अब O2 के लिए वो सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए डेल्टा RH होगा, या फिर 1 मोल के लिए होगा, यहाँ पे 2 मोल्स है, तो जितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होगा या फिर प्रोडक्ट होगा दैट पर्टिकुलर, ओके, उतने मोल्स से हमें और उतने कोएफिशिएंट नंबर से हमें वो डेल्टा RH वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है फॉर बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज दी प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे 2NO2 है, तो अगर डेल्टा RH वैल्यू है फॉर NO2 ओनली, 1 मोल ऑफ NO2, इट इज़ गिवन ओनली, जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये पॉइंट और क्लियर होता जाएगा कि वो वॉट एवर वैल्यूज दी होती है वो सिर्फ 1 मोल के लिए होती है। सो हमें वो जो वॉट एवर कोएफिशिएंट नंबर होगा इन अ केमिकल रिएक्शन, उससे फिर वो डेल्टा RH वैल्यू मल्टीप्लाई करनी होती है, या फिर डिवाइड करना है तो डिवाइड करनी होती है। अंडरस्टूड, समझ रहे? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन ओनली, जहाँ पे रूल्स दिए हैं, एक्चुअली गाइडलाइन दी है कि हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं। सिंपल, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा बच्चों कि किस तरह से रूल्स है क्या है, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा टू राइट द इक्वेशन, क्योंकि जैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कभी कभार हमें एवरी टाइम एक्चुअली वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। केमिकल इक्वेशन की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कभी कभार नहीं भी देंगे, आपको सिंपल इक्वेशन दे देंगे या फिर मे बी एक सेंटेंस में दे देंगे कोई एक वर्ड, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कार्बन ऑन बर्निंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन ऑन बर्निंग
और इनकम्प्लीट बर्निंग गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड. तो वी हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट. तो इस तरह के स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे और तब जब केमिकल इक्वेशन दिया होगा सो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन टू राइट इन द थर्मोकेमिकल फॉर्म. यानी वहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ेगी, अंडरस्टूड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की प्रॉपर नंबर ऑफ मोल्स लिखना पड़ेगा, एट द सेम टाइम डेल्टा आर एच वैल्यू वॉट एवर गिवन होगा वो भी हमें मैंशन करना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोकेमिकल इक्वेशन. सो आज के वीडियो में हमने पढ़ा क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड लास्टली थर्मोकेमिकल इक्वेशन. थैंक यू.